हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह, आई एम योर मेंटर फॉर हिस्ट्री डोमेन एज वेल एज CET जनरल टेस्ट में। जो भी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मेरे द्वारा कवर किया जाएगा। चलिए आज हम देखेंगे, हमारा लेक्चर 4 को हम कंटिन्यू करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हुए जो भी हमारी चीज़ें हैं बाकी बची हुई, जैसे फेलियर क्या थे और क्या क्या बुक्स के नाम थे, क्या क्या MCQs आ सकते हैं इस चैप्टर से, वो हम आज डिस्कस करेंगे अपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कंटिन्यूड लेक्चर में। दिस इज़ लेक्चर 5, नाउ लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब हुआ, झांसी से अगर यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई थी तो उनको हराया गया, ठीक है। और जॉन ह्यूज रॉस, ठीक है, ये आपको याद नहीं, याद रखना है, जिसने ये कहा था कि या शी वॉज द वन हु वॉज द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिवेल, ठीक है। सर ह्यूज रोज ने ये बात कही थी, ये आपको याद रखना है, ठीक बच्चों। अब देखिए क्या होता है कि जब ये रिवॉल्ट को क्रश कर दिया ब्रिटिशर्स ने, सबसे पहले बहादुर शाह द सेकेंड को कहाँ का भेजा गया, रंगून, प्रेजेंट डे म्यांमार, ठीक है, बर्मा, और जहाँ पर वो 1862 में डाई कर जाते हैं। इनके दो ही सन्स वर ऑल्सो डाइड एंड नाना साहिब, जिनको धुंधुपंत, ये आपको आ सकता है एग्जाम में कि नाना साहिब का ओरिजिनल नेम क्या था, धुंधुपंत, ये आपको याद रखना, ठीक है। और बेगम हजरत महल एंड खान बहादुर खान, ये सब कहाँ क्या करते हैं, एस्केप कर जाते हैं कहाँ पर, नेपाल। तात्या तोपे, इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ये भी आपको याद रखना, तात्या तोपे का क्या नेम था, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और फिर रानी लक्ष्मीबाई बैटल फील्ड पर ही डाइड कर जाती हैं। बाकी जो बचे कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार, ये भी वोंडेड थे और डाई कर जाते हैं 26 अप्रैल 1858 में। तो आपने देखा कि सारे जो लीडर्स थे, बहादुर शाह जफर द सेकेंड को भेज दिया गया रंगून, उनके बच्चों को तोप के सामने मार दिया गया, नाना साहिब और बेगम हजरत महल और या फिर खान बहादुर खान, ये एस्केप कर गए नेपाल, तात्या तोपे को भी मार दिया गया, ठीक है। तो रिवॉल्ट यहाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। उसी तरह सर ह्यूज रोज ने डिस्क्राइब किया लक्ष्मीबाई को एज द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, जैसे खान बहादुर खान आपको बता दिया मैंने बरेली से, मौलवी अहमदुल्ला शाह अलियाज या डंका सिंह कहाँ से थे, तो मथुरा से थे, ये आपको याद रखना। कदम सिंह कहाँ से था, मेरठ से थे, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और जुलाई से दिसंबर 1858 तक ब्रिटिश ने अपने आप को अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिया था। चलिए अब हम देखेंगे कुछ जो कॉजेज रहे हैं, क्यों फेलियर के क्या क्या कॉजेज थे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था डिस यूनिटी अमंग इंडियंस इट्सेल्फ, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि सिंधियाज होलकर्स निजाम्स, ये इन सभी ने ब्रिटिशर्स का इस रिवॉल्ट में साथ दिया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद होता है सिपाहीज के बीच जो कोऑर्डिनेशन रहता है वो बहुत अच्छे से नहीं हो सकता है बेटा। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ब्रिटिश के पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम था बहुत बढ़िया था, ठीक है। और ये था फोर्थ रीज़न, क्या था कि फोर्थ रीज़न ये था कि जो मोटिव था, जैसे ज़मींदार क्लास थी उनके लिए कुछ और मोटिव था लड़ने का, पीजेंट्स कुछ और था, तो कहीं भी ये नहीं था कि यार हमें यूनिफाई करना है और अपने देश को बचाना है, मतलब सब लोग अपने अपने सेल्फिश रीजन्स के लिए लड़ रहे थे, तो ये एक चीज़ थी, कोई यूनाइटेड रीज़न नहीं था। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है, इसमें एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी दैट वॉज सीनेट, ठीक है। और कहीं ना कहीं पेट्रियाटिज़म को एक तरीके से उभरता हुआ देख पाएंगे आप इस बीच में, ठीक है। और इसमें आपको ये दिखेगा कि ठीक है यार, नो डाउट इट बिगेन एज अ म्यूटनी ऑफ सोल्जर्स बट सून टर्न्ड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन जनरल। तो कहीं ना कहीं नदन पार्ट में ये आपको दिखेगा कि पहले इसको स्टार्ट करने वाले सोल्जर्स थे, क्योंकि ब्रिटिश हमने हमेशा इसको एज अ ओनली अ म्यूटनी, ठीक है, सोल्जर्स की म्यूटनी दिखाते हैं, लेकिन जो इंडियंस है, जैसे वीर सावरकर ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया, ठीक है, सिपाही म्यूटनी का नाम दिया था उन्होंने। तो अब देखते हैं नेचर ऑफ रिवॉल्ट क्या रहा 1857 में। तो कईयों ने कहा ये सिपाही म्यूटनी है, कईयों ने कहा ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं करना, जिसमें से बस आपको ये याद रखना है कि वीडी सावरकर या कार्ल मार्क्स, इन सबका ये व्यूज़ था कि हाँ ये नेशनल स्ट्रगल था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ठीक है। लेकिन आरसी मजूमदार या फिर दुर्गादास बंदोपाध्याय, ये सब कहते हैं कि ये एक सिर्फ सिपाही म्यूटनी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए और दूसरों का व्यूज़ देखते हैं कि रेशियल स्ट्रगल किसने कहा है, या फिर ब्लैक वाइट स्ट्रगल कहा है मेडले ने, उसके बाद आता है रिलीजियस स्ट्रगल किसने कहा है, रीज ने, ठीक है। हिंदू मुस्लिम कॉन्स्परेसी अगेंस्ट क्रिश्चियंस किसने कहा है,
आउटरैम एंड टेलर ने कहा, ये चीज़ आपको याद रखनी है प्रॉपरली, ठीक है। अब ऑथर्स एंड बुक्स को हम देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स की और बुक्स की रही हैं। सबसे पहले हमारा आता है जो आपको मैंने बताया, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डी सावरकर ने इसको लिखा है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और कुछ ओपिनियंस, जैसे जॉन सिली का ओपिनियन था, इट वॉज होली अनपेट्रियाटिक एंड सेल्फिश सिपॉय म्यूटनी विथ नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट, ये जॉन सिली ने कहा। आर सी मजूमदार ने कहा, इट वॉज नीदर अ फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपको याद रखना है। ये डायरेक्टली इसी तरह दे देगा कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने कहा है, तो ये कहा है वी डी सावरकर ने, ठीक है। एस एन सेन ने क्या कहा बच्चों, वॉट बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजन एंडेड एज अ वॉर ऑफ वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, ये आपको याद रखना है। बेंजामिन डिसरेली ने कहा, ये अपोजिशन लीडर थे उस समय, तो ने कहा द नेशनल रिवॉल्ट रूटेड इन डीप मिस्ट्रस, मिस्ट्रस किसके, ब्रिटिश के थ्रू, ठीक है, ब्रिटिश के लिए मिस्ट्रस। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो देखिए इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगस्त 1857 में जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी उसने एक एक्ट पास किया जिसके थ्रू कंपनी रूल को एंड कर दिया गया, ठीक है। और डायरेक्ट, अब डायरेक्ट सुजरेंटी किसके आ गई, ब्रिटिश क्वीन की, ठीक है, जो ब्रिटिश का क्राउन होगा उसके अंदर वो डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना, ये पहला चीज़ था। और दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया गया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। पहले हमारे पास गवर्नर जनरल थे, उसके टाइटल को बदल के क्या कर दिया गया, वाइसराय का टाइटल, ठीक है, वाइसराय। इसलिए जो अब आगे बनेंगे गवर्नर जनरल बनते हैं वो क्या, उनको क्या कहा जाता है, वाइसराय, क्या कहा जाता है, वाइसराय, ठीक है। डलहौजी क्या था, गवर्नर जनरल था। और लास्ट गवर्नर जनरल, ये भी सवाल आ सकता है कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो कल के स्टार्टिंग वाले स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वही लास्ट गवर्नर जनरल बनता है और वही फर्स्ट वाइसराय बनता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन था, अगर आपने डिवीज़न करा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ सी से उसका, ये मैं आपको बता देता हूँ, सी से वो स्टार्ट होता है। चलिए, और कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है कि दिस मार्क द ब्रिटिश एंड ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड प्रिंसली स्टेट्स वर एश्योर्ड कि हाँ यार अब आगे से जैसे जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ये इंश्योरेंस मिल गई कि आगे से कोई भी प्रिंसली स्टेट होगा आगे से क्या करा जाएगा कि आपको रूल करने दिया जाएगा, आपके जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी हो गई या फिर सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी हो गई, इन सबको बढ़ावा ब्रिटिश अब अपने आप से नहीं देगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था। आफ्टर द रिवॉल्ट द ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड एंड रूल किस लिए, क्योंकि ब्रिटिश का हमेशा से मानना था कि जो मुस्लिम थे उन्होंने खास करके इस रिवॉल्ट में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसमें दिखी, तो कहीं ना कहीं अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिश अपनाएगी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, ठीक है, जो कि आपको आगे जाके आप पढ़ेंगे बंगाल पार्टीशन जब होता है, तो ये बंगाल पार्टीशन का मेन रीज़न यही था कि डिवाइड और रूल करा जाए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। और नेक्स्ट, फार रीचिंग चेंजेस आए, जैसे कि इंक्रीज इन वाइट सोल्जर्स में, वाइट सोल्जर्स को इंक्रीज़ करा गया पूरी आर्मी में, और जो भी टोटल एक्सपेंशन था वो वॉज थ्रोन ऑन द इंडियन पीपल, ठीक है, जो भी पूरा सप्रेशन या फिर जो भी ये था कि एक्सपेंसेस वगैरह मिलिट्री वगैरह का किस पे होने लगा, वो इंडियंस पर होने लगा। तो ये आपका कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी था पॉइंट्स, ऑथर्स थे और जो बुक्स थे, जो स्लोगन्स थे, क्या व्यूज़ रहे, तो वो मैंने आपसे आज डिस्कस करा। अब देख लेते हैं जो भी हमारा ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि आते हैं, तो चलिए बताइए, द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड द वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये एक बार और जी सवाल आ गया, बहुत आसान सवाल है, आप इसका आंसर कर सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग से पहले कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट, कहाँ पे, तो देखिए मेरठ से तो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, वहाँ से कूच करी गई कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, लेकिन जो मंगल पांडे था ये कहाँ से था, तो बैरकपुर से, ठीक है, बैरकपुर जो कि नियर कलकत्ता पड़ता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, आपको बताया गया कि हाँ बेगम हजरत महल कहाँ से थी, लखनऊ से थी, ठीक है। और यहीं पर हमारे पास कौन आते हैं, नाना साहिब, नाना साहिब कहाँ से थे, कानपुर से, ठीक, खान बहादुर खान कहाँ से थे, बरेली से। तो ये सारे नेम्स अगर आपने देखे तो ये सारे तो हैं, लेकिन कौन नहीं है, तो इनमें से महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह का लेना देना, महाराजा रणजीत सिंह का कोई लेना देना नहीं है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से,
ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग नेटिव रूलर्स, तो एक सेकेंड, ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मुझे लग रहा है। हाँ, इसमें ये इनकम्प्लीट है। तो इसमें क्वेश्चन ये रहा था कि कौन से रूलर ने साथ नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं सिंधिया ऑफ ग्वालियर ने ब्रिटिश का सपोर्ट दिया था, ठीक है, ये आपको याद रखना। बाकी सब रिवॉल्ट के लीडर ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु लीड द रिवॉल्ट इन झांसी, तो झांसी से किसने रिवॉल्ट किया था, रानी लक्ष्मीबाई से, ये आपको याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट कुंवर सिंह कहाँ से लीड कर रहे थे, तो बताइए कुंवर सिंह कहाँ से लीड कर रहे थे, कुंवर सिंह बिहार से लीड कर रहे थे। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये किसने लिखा है, ये आपको बताना है। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा है, वी डी सावरकर ने, ये आपको याद रखना है। चलिए हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटनी, तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन ही है, ये भी आसान है। तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, सिपॉय। तो चलिए आठ आठ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बाकी आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो भी होगा एमसीक्यू एक सीरीज़ हम चलाएंगे, तो वहाँ पर भी हम कंप्लीट कराएंगे। बाकी अगर आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे ज़रूर मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे आपको पीपीटी और क्विजेज़ वगैरह कराई रह जाएंगी, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस ये हमारा ईमेल ऑफिशियल मेल है, आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको फ्री बैच चाहिए तो आप श्योरली इसको ज्वाइन कीजिए, फ्री बैच अभी चल रहा है हमारा, कंटिन्यूड है बच्चों के लिए। थैंक यू, आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा अच्छे से, इसको पसंद किया है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमें चाहते हैं कि हाँ ये जो फ्री बैच है, जो फ्री वीडियो जो चलती रहें, तो एटलीस्ट आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, बस हमें एक सपोर्ट हो सकेगा। तो थैंक यू एट लास्ट।